तो गाइस पिछले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि मैं एक खतरनाक बॉयज ओनली सर्वर के अंदर ज्वाइन किया था, वो भी लड़की बनके, और वहां पर खेलने वाले दो लड़कों को मैंने बहुत गंदा वाला उल्लू बनाया था, उनके बहुत ज्यादा मजे लिए थे, और अभी वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा तगड़े वाले दुश्मन बन चुके हैं। तो चलो आज फिर चलते हैं उसी सर्वर में उनके मजे लेने के लिए। अरे रुक जा भाई, इतनी भी जल्दी है वीडियो स्टार्ट करने की? थोड़ी सी तेरी बेइज्जती तो कर दूं। चिंटू का सबको चुम्मा। तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा जिस जिसने भी पिछली वीडियो पर ऋषि नूब कमेंट किया था। और भाई कुछ बोलना चाहेगा? अब मैं क्या ही बोलूं यार, तुम सब लोगों ने चिंटू की बात मान के कमेंट कर दिया था, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था उसके बाद में। दिल से बुरा लगता है भाई। और अगर तुम लोग मेरे को खुश करना चाहते हो तो जल्दी से चिंटू चिरकुट कमेंट कर दो, क्योंकि ये चिरकुट का मुंह बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत हो गई बकवास, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं ज्वाइन हो चुका हूँ उसी सर्वर के अंदर, और तुम लोग को थोड़ी सी चेंजेस दिख रही होंगी क्योंकि मैंने अपनी स्किन चेंज कर ली है। एक सेकंड, इसके पास भाई नेदरराइट का आर्मर कहाँ से आ गया, और इसके हाथ में क्या है? क्रॉसबो, जिसकी हेल्प से फटाके फोड़ने में लगा है, लेकिन ये कोई ऐसे वैसे फटाके नहीं है भाई, इससे बहुत ज्यादा गंदा वाला डैमेज जाएगा। ले भाई गोल्डन एप्पल की फिर से बारिश कर दी इसने भाई, जब भी इसको मक्खन लगाना होता है ना गोल्डन एप्पल की बारिश कर देता है, ये बहुत चालू बंदा है। अपने को क्या है, गोल्डन एप्पल ले लेंगे अपन तो फुल मौज करेंगे भाई। मैं यार अपनी हेल्थ बढ़ा लेता हूँ गोल्डन एप्पल खा के। और हाँ यार मैंने अपनी स्किन चेंज करी तो मेरा सामान भी चला गया जो कि मेरे पास लास्ट एपिसोड में था, पर चलो कोई नहीं, हम फिर से सारा का सारा सामान इन लोग का लूट लेंगे। घर भर के सामान है भाई। ये क्या बोल रहा है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, तो मैं इससे पूछता हूँ क्या गिफ्ट है? गिफ्ट के लिए तो अपन लोग हमेशा रेडी रहते हैं, फॉलो मी, चलो चलते हैं इसके पीछे। जिक कर क्या रहा है भाई क्रॉसबो से? ओ भाई क्या मस्त लग रहा है यार, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है ये। ओपी यार, सच में मस्त फटाके बनाए इसने। तो थोड़ी सी ना पहले इसकी तारीफ कर देते, मैं वाव लिख देता हूँ क्योंकि अपने को यार आगे इसी से काम पड़ने वाला है। अच्छा इधर आना है, देखो भाई इशारे करके बता रहा है, इधर पता नहीं क्या है भाई, क्या करने वाला है ये। ओ भाई फटाके भाई, क्या तगड़ा लगा भाई, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे फूल टपक रहे हो भाई। और भाई राज ने गेम ज्वाइन कर लिया है, अब मजा आएगा भाई। तो अपन लोग ना राज से बात करते हैं, अभी देखना सुनील की कैसी वाली जलेगी एकदम। तो मैं राज से पूछता हूँ, और राज कैसे हो? लो भाई राज आया ने कि इसने लड़ाई चालू कर दी। सो राज ने उसको इग्नोर कर दिया है बिल्कुल, और अपने को रिप्लाई दिया है, हाँ हेलो अच्छा हूँ। एंड यहाँ पे सुनील बोल रहा है नूबड़ा है तू, राज बोल रहा है बाकी मैं नूबड़ा नहीं हूँ तू नूबड़ा है। लॉल भाई इस वीडियो में हम लोग पता करेंगे कि असली नूबड़ा कौन है। और हाँ यार राज भी इतने दिनों से गायब है, तो इसका मतलब राज ने भी बहुत तगड़ी तगड़ी प्रोग्रेस कर ली होगी। तो मैं राज को मैसेज करके थोड़ा सा पूछता हूँ कि क्या आप प्रो बन गए? सो राज यस बोल रहा है, तो मैं इससे बोल देता हूँ ओ नाइस, चलो पीवीपी करते हैं फिर, कुछ भी हो जाए लेकिन ये राज से लड़ाई करना बंद नहीं करेगा। फालतू में राज को परेशान करने में लगा हुआ है, देखो बोल रहा है निकल पहली फुर्सत में नूबड़े। ये राज क्या बोल रहा है, बक नूब तू नूब है तू निकलना। ये देखो भाई राज जैसी बेइज्जती करेगा ना वैसे ही अपने को रिश्वत दे देता है, लाइक गोल्डन एप्पल दे देता है, बट अपने को क्या है भाई, अपने को तो बढ़िया बढ़िया माल मिल रहा है। तो मैं राज को मैसेज कर देता हूँ कि आ जाओ पीवीपी करेंगे सुनील से, और प्रूफ करते हैं भाई कौन असली नूबड़ा है। चलो यार देख के आते हैं राज ने क्या क्या प्रोग्रेस कर ली है। भाई मेरे को सही में लग रहा है राज कुछ ज्यादा ही दमदार बन के आया होगा। ओ भाई नेदरराइट का आर्मर, और इसने भाई एंडरपर्ल से भाई एकदम धमाकेदार एंट्री ली इसने, शॉर्ट भी है सब कुछ है भाई इसके पास। और देखो भाई ये सुनील क्या बोल रहा है, तू मेरे से क्या लड़ेगा नूबड़े? और राज बोल रहा है हाँ आ जाना कौन नूब है देखते हैं। तो मैं राज की थोड़ी सी तारीफ कर देता हूँ जिससे सुनील की एकदम जलेगी भाई। सो मैंने मैसेज कर दिया है कि राज तुमने तो मस्त प्रोग्रेस कर ली। ओ भैंस की टांग, मेरे को क्या मारा भाई? ओ भाई हेल्थ कितनी गंदी जा रही है भाई, कितनी पावरफुल बो है इसके पास। ओ ये सुनील को मार रहा था, मैं रास्ते में आ गया भाई, सुनील एएफके हो गया है तो सुनील को मार रहा है ये भाई। मैं मना कर देता हूँ मत मारो, छोड़ देता हूँ नूबड़े को। ये देखो भाई सुनील जैसे ही आया दोनों के दोनों एक दूसरे को देख के लड़ने लग गए भाई, सब ट्राइडेंट से मार रहे हैं भाई, एकदम जानी दुश्मन बने रखे हैं। ओ भाई सब फटाके गंदा डैमेज। ओ भाई ओ ऐसी की तैसी भाई, भागो भागो भागो, अपनी कुछ ज्यादा गंदी हेल्थ जाने वाली क्योंकि अपने पे नहीं है आर्मर भाई, एकदम धांसू क्रॉसबो है यार। मैं सुनील को मार के आ गया क्योंकि उसने मेरी हेल्थ कम कर दी थी यार, भाग गया नूब। ओ ओ भाई मैं दूर ही रहूंगा, मैं दूर ही रहूंगा, हाफ आट सॉरी मैं नहीं आ रहा भाई, लड़ो तुम लोग ऐसे ही कराओ भाई लड़ो। ये सुनील के बच्चे से तो भाई बदला लूंगा मैं भाई, इतनी जो इसने हेल्थ कम करी है ना पूरा बदला लूंगा। और ये देखो भाई राज ने इसके अंदर तीर घुसेड़ डाले पूरे के पूरे, अभी भी लड़ने में लगे हुए हैं यार। इनकी लड़ाई भैंस की टांग कभी बंद ही नहीं होती इनकी, ऐसी की तैसी। अबे यार मैं यार बगल में भी नहीं जा रहा, तो मैंने इनको मैसेज करके बोल देता हूँ कि मुझे करना है पीवीपी इन दोनों की, मैं प्रोग्री निकालूंगा भाई, ज्यादा प्रो बन रहे हैं ना, देखते हैं मेरे सामने कितने बड़े प्रो हैं। बाकी यार मैं भी नूब हूं, मेरे को भी पीवीपी करना नहीं आता, बेइज्जती ना हो जाए। पर चलो कोई नहीं, इन लोगों को थोड़ी पता है कि मैं कौन हूँ, तो मैं इन लोगों से ना बोलता हूँ कि मेरे को अच्छा अच्छा सामान दे दो। तो गाइस ये सुनील अपने पीछे पीछे लेके जा रहा है, मेरे को लगता है किसी चेस्ट के अंदर से मेरे को सामान देगा, तो चलो जल्दी से इसके पीछे पीछे चलते हैं। ये भाई ये इधर किधर जा रहा है भाई, ये क्या क्रॉसबो लेके बैठ गया भाई, कान पीछे भी लगे हुए हैं क्या इसके? वो राज पीछे से आ रहा था और इसको पता भी चल गया, ये डायरेक्ट क्रॉसबो निकाल के उस पर हमला करने लग गया। इनकी ऐसी की तैसी, दोनों के दोनों लड़ने में लगे रहते हैं, दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। तू निकल बे। ओ भाई यार थॉर्न्स लगा के रखा हुआ है, नहीं जाऊंगा भाई, ऐसे ऐसी कराओ यार, तुम जाओ चाहे नहीं जाओ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अंदर चलता हूँ सुनील के साथ में। सोली चेस्ट के अंदर ऐसा है सामान। ओ भाई सॉफ्ट आर्मर टू
शूज ब्ला ब्ला ब्ला, भाई कितना ज्यादा मस्त मस्त सामान है, मैं सबका सब ले लेता हूँ यार। भाई इलाइट्रा तक है इन लोग के पास। और यार क्या तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि ये सुनील इस बार अपने को ये वाले घर के अंदर लेके आया है, जबकि पिछली वीडियो में वो हमें वो ट्री हाउस के अंदर लेके गया था। इसका मतलब भाई वो सब राज के घर थे और राज के घर से वो अपने को सामान दे रहा था। भाई ये कितना चालू बंदा है, लगता है ये वाला इसका असली घर है। अभी इसकी पोल खुलवाएंगे इसकी ऐसी की तैसी। ये देखो भाई सुनील क्या बोल रहा है, ये मैंने खरीदा है न्यू हाउस। भाई देख रहे बंदे का दिमाग, उसको एकदम शक हो गया होगा। बट अभी राज बोलेगा भाई इसने क्या खरीदा है क्या नहीं खरीदा, क्योंकि राज भी तो देख रहा होगा ये सब मैसेज। भाई राज बोल रहा है झूठे, इसका मतलब सही में ये झूठ बोल रहा था। भाई मैं पूछता हूँ इससे कि कैसा झूठ बोला, क्योंकि अभी इन लोग को नहीं पता है कि मेरे को पता है। यार यार लड़ने में लग जाते हैं भाई, बहुत गुस्सा आ रही है भाई, हाल हाल लड़ने लग जाएंगे एक दूसरे के सामने आके। इन दोनों की ऐसी की तैसी, इन दोनों को मारूंगा मैं। ये इसका असली हाउस है गाइस, देखो अपना एकदम शक सही था, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, इसने मेरे से झूठ बोला ना। वॉट भाई ये तो मर भी गया इतनी जल्दी, भाई ऐसा क्या है शॉर्ट के अंदर, भाई साहब इतनी जल्दी मर भी गया ये। सॉरी बोल देते हैं यार वरना गलत सीन हो जाएगा, जल्दी से सॉरी लिख देता हूँ मैं। भाई देखो यार कितनी ज्यादा ओवर पावर्ड शॉर्ट है, इसके अंदर ना सब कुछ लगा हुआ है, लिटरली सब कुछ जो कुछ भी लगा सकते हैं, इसीलिए इतनी जल्दी मर गया। ये देखो भाई राज बोल रहा है लड़की से मर गया नूबड़े, देखो यार फिर से लड़ने लग गए, मेरे को गुस्सा आ रही है अब तो। मैं इन लोग से बोलता हूँ कि राज आ जाओ, फिर सुनील से भी करूंगा, पहले मैं राज से करता हूँ फिर सुनील से करूंगा, एक एक करके ही करूंगा भाई, दोनों से इकट्ठा थोड़ी करने वाला हूँ। इनको यार फिर से रोकना पड़ेगा इनकी ऐसी की तैसी। मैं इनसे बोलता हूँ पीवी करना है तो मेरे से करो ना यार, फालतू में क्यों लड़ रहे हो आपस में, तुम्हारी भैंस की टांग, दोनों को मारूंगा मैं, रुको। ज्यादा भूत बन रहे हो ना, दोनों को ज्यादा पीवी पे चढ़ रहा है ना, कहाँ भाग कर रहे हो अब दोनों, लड़ो ना भैंस की टांग, ज्यादा पीवी पे चढ़ रहा था अभी तुम्हें, पीवी पी गॉड बन रहे थे बहुत ज्यादा तुम्हें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देख भागने लगे। अबे यार एरो भी नहीं है इनकी ऐसी की तैसी, शॉट से ही मारना पड़ेगा। ओ भाई ठीक है जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, सॉरी 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 भाई, एक हॉट पे बचाऊ, एक हॉट पे लिटरली एक हॉट पे बच गया। इनकी लड़ाई लेकिन फिर भी बंद नहीं हुई भाई, ये सुनील ज्यादा फड़फड़ा रहा है भाई, ये सुनील भाई मेरे से भी लड़ने लगा। अभी इसके साथ पीवीपी करते हैं, इसका असली पीवीपी गॉड बनाते हैं इसको, रोको जरा भाई, वैसे गंदी हेल्थ गई मेरी। ओ भाई आ गया, अपन लोग ट्राइडेंट से दूर भागते हैं भाई, मरने वाले हैं अपन लोग, अपने को मरना नहीं है वरना नूब बोलेगा ये, और अपन लोग प्रो हैं भाई, भली मतलब असलियत में नहीं लेकिन अपने मन में तो प्रो हैं। आ जा सुनील के बच्चे, भागता कहाँ है रुक जा, लेकिन मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये ले ये भी ले, कहाँ भाग रहा है बेटे, बच के जा नहीं पाएगा तू मेरे से, नीचे कूद गया ये। और भाई राज भी उसको मार रहा है भाई एरो शूट कर करके। ये देखो भाई ऊपर भी लड़ने में लगे हुए, भाई सही में गुस्सा आ रही है, दोनों को मारूंगा भाई इनकी ऐसी ही तैसी। ज्यादा पीवी पे चढ़ रहा है, ये लो तुम्हारी भैंस की डांग, ज्यादा पीवी पे चढ़ रहा है ना, दोनों का भूत उतारता हूं मैं पीवीपी का, जब से आया हूं तब से पीवीपी लोग कर लो तुम पीवीपी, आ जाओ कर लो तुम पीवीपी। ओ भाई मेरी भी हेल्थ जाने लगी थी, बच गया। सुनील को मैंने मारा और क्रेडिट ये राज ले गया, ये राज को भी मारूंगा, राज भी नहीं बचेगा, रुक जाओ इसकी ऐसी की तैसी, इसको तो और मारूंगा मैं, रुक जाओ। ये भैंस के टंग ये अपना इलीगल वेपन यूज करने लग जाता है हर बार, ये सुनील और राज दोनों को मारूंगा मैं, एक भी नहीं बचेगा भाई, दोनों के दोनों पिटेंगे अब। अब यार अब बहुत हो गया भाई पीवीपी, इतना पीवीपी करना भी मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है, तो मैं इन लोगों से बोलता हूँ बस बहुत हो गया। हाँ तो दोनों लोगों ने ओके बोल दिया है, तो मैं सुनील से बोलता हूँ कि तुम चीटिंग करते हो, क्योंकि यार ये चीटिंग करता है भाई, वो वाला पता नहीं क्रॉसबो यूज करने लग जाता है, उससे डैमेज जाने लग जाता है भाई, दूर से ही मार देता है, हम शॉट से मार, वो क्रॉसबो से मार रहा है, वो चीटर है भाई। ये राज क्या बोल रहा है, यस ये नूब चीट्स यूज करता है, देख रहे हो मतलब एक मौका नहीं छोड़ रहा भाई, मैं तो उस क्रॉसबो की बोल रहा हूँ और ये चीट को ले आया बीच में भाई, नूब मेरे से भी मर गया। मैं भाई ये सुनील से बोल देता हूँ मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला मतलब समझ लो यार, अब तुम ज्यादा दिमाग मत लगा ठीक है, कोई बात नहीं हम तो। देखो भाई ये राज ने फिर से मार दिया सुनील को, मतलब यार ये राज कुछ ज्यादा ही तगड़ी प्रैक्टिस करके आया है और बहुत ज्यादा दमदार हो गया ये, हा 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 नूब। तो राज बोल रहा है मेरे साथ चलो, ओके चलते हैं राज के साथ में, सुनील बोल रहा है प्लीज मत जाओ। अब तो भाई मैं जाऊंगा यार, ये हमेशा से लड़ने में लगा रहता है राज से, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट बनाया है भाई, राज ने गिफ्ट बनाया यार, तो थोड़ी सी उसकी तारीफ कर देते, पहले ऐसे बोलते हैं ओ सच्ची क्या है वो बताओ। देखो भाई ये सुनील फिर आ गया, इसकी भैंस की डांग, भाई गुस्सा आ रही है यार सही में, रुक जाओ इसको फिर से मारते हैं तभी इसको समझ में आएगी भाई, ज्यादा चर्बी चढ़ रही है ना, अब कहाँ भाग रहा है। देखो भाई डर के भाग गया नूबड़ा, कितना चालू बन रहा था, लेकिन इसको मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, इसको एक बार मैं अकेले मार के बताऊंगा, इसका भूत मैं उतारूंगा। लो भाई अपने ऊपर ही फटाका फोड़ लिया, मजा आया। उस नूब को छोड़ दो मेरे साथ चलो, नहीं अब छोड़ूंगा नहीं भाई, अब इसको मार के ही आऊंगा। ये ले तेरी भैंस की टांग, ट्राइडेंट चलाया, रुक जा तेरा ट्राइडेंट भी मैं निकालता हूँ, अब कहाँ भाग रहा है डरपोक। ये भी ले,
ये भी ले। ओ भाई मरी गया ये तो भाई, सुनील खत्म। नूब मर गया ही, मैं बोल देता हूँ मुझसे लड़ने चला था। तो चलो अभी अपन लोग राज के पीछे पीछे चलते हैं, देखते हैं क्या गिफ्ट है। तो राज यहाँ पे आके खड़ा हो गया। भाई ये किसका घर है यार, इतना मस्त घर। तो भाई ये राज बोल रहा है ये घर मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, इतना अच्छा घर है यार सही में। और ये सुनील क्या बोल रहा है, मुझे प्रूफ तो करने दो। अब क्या प्रूफ करेगा भाई, मेरे को घर देखने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है यार, मेरे को घर देखना है। नूब बड़ा नकली प्रूफ देगा भाई। गेट बंद कर देता हूँ, हम दोनों ही जाएंगे, सुनील को बाहर ही रहने दो। चलो मैं तो अंदर जाके देख लेता हूँ। भाई मस्त घर है यार, लिटरली यार नेदरराइट का आर्मर। क्या फॉलो मी, मैं तो पहले ही अंदर आ गया हूँ भाई, क्या फॉलो मी करवाएगा। ऊपर चल के देखते हैं क्या है भाई घर के अंदर। अपना ही घर है, ऊपर एक मस्त रूम है यार, लिटरली मेरे को बहुत अच्छा लगा ये वाला घर। मैं इससे बोल देता हूँ मुझे ये घर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आप बेस्ट हो भाई। तारीफ कर देते हैं, अभी सुनील की जलेगी। ये सुनील क्या बोल रहा है, मैंने तुम्हारे लिए एक कास्ट बनाया है मतलब। तो राज थैंक्स बोल रहा है, पर लोग सुनील से पूछते हैं ये बोल क्या रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा कासल भाई, कासल बनाया है इसने। सही में यार दोनों लोगों ने अगर मेरे लिए मस्त मस्त चीज बना के रखी होगी ना, मजा आएगा भाई। राज का कुछ मैसेज आया, ये सुनील झूठा है, सर्वर के सारे बिल्ड मैंने बनाए हैं, यहाँ तक कि जो आर्मर तुमको उसने दिया है वो भी मेरा है, ये झूठा है, नूबड़ा है, बनाया है ये इसने, किराए पे लिया है। मैं सुनील से बोलता हूँ, सुनील मुंह से सुपर निकल के बात कर रहे बाबा। भाई राज ने सुनील को फिर से मार दिया, रुको इसकी ऐसी की तैसी, इस बार मैं राज को मारूंगा, धीरे से ही मारूंगा, एक ही शॉट मारूंगा भाई। राज बोल रहा हुआ पता नहीं क्यों मारा इसको, बोल देते हैं ये थैंक यू किस थी, मतलब आग वाली। तो गाइस मैं सुनील से पूछता हूँ कि दिखाओ भाई कैसल कैसा बनाया है, और देखते किसने अच्छा बनाया, राज ने या फिर सुनील ने, क्योंकि ये भी एक छोटा सा कैसल ही है। और भाई सुनील की स्किन कितनी मस्त लग रही है यार सही में, और राज की भी स्किन कुछ कम नहीं है यार। तुम लोग कमेंट में बताना तुम लोग को दोनों में से किसकी स्किन अच्छी लगी। इलाइट्रा से चलो बहुत दूर है भाई, मैं कितने सालों बाद इलाइट्रा उड़ा रहा हूं, और इलाइट्रा में मस्त लग रहा हूं यार मैं सही में। और इस नूबड़े को नहीं लेके जाएंगे, ये यहीं सड़ने दो, नूब तू है मैं भी जाऊंगा। भाई यार अब मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने मैसेज कर दिया है कि ठीक है राज आप मत जाओ, बाकी सॉरी। भाई ये राज सॉरी के लिए बोल रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, जब आपने ज्वाइन किया था तब मैंने बदतमीजी की थी। अरे भाई राज यार सही में अब सुधर गया है, तो मैं से बोलता हूँ हाँ करी तो थी, बट चलो कोई नहीं आगे से मत करना। तो अभी हम लोग सुनील से बोल देते हैं, चलो सुनील भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसका कैसल देखने के लिए, लेट्स गो भाई। हम लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। ये भाई ये इधर किधर जा रहा है, पहाड़ के अंदर। भाई क्या मस्त लैंडिंग करी यार मैंने, एकदम सही में मस्त लैंडिंग करी, एक साल बाद इलाइट्रा उड़ा रहा हूँ, इतनी मस्त लैंडिंग के लिए एक लाइक तो बनता है, जल्दी से जाके भाई लाइक कर दो। और भाई ये कौन सी केव के अंदर लेके आ गया, कहाँ है कैसल, तो मैं इससे पूछता हूँ ये कहाँ लेके आ गए। सुनील बोल रहा है तुम एक बार लीव करके ज्वाइन करो, लीव करके ज्वाइन करूंगा तो उससे क्या हो जाएगा, और उससे पहले अपनी इन्वेंट्री खाली कर दो। तो मैं इसको सारा का सारा सामान दे देता हूँ इन्वेंट्री का, और अपने को कोई दिक्कत नहीं है यार, इसी ने तो दिया था सामान, ये बाद में लौटा भी देगा, तो आर्मर वगैरह सब कुछ दे देता हूँ मैं। मैंने पूरी की पूरी इन्वेंट्री खाली कर दी, तो अभी मैं पूछता हूँ अभी करूँ लीव, इसने बोल दिया है ओके, तो अभी हम लोग लीव कर देते हैं। तो गाइस अभी मैं दोबारा से ज्वाइन कर रहा हूँ, और वेट अ सेकंड भाई ये कहाँ पे आ गया मैं भाई, चारों ओर ऑब्सीडियन। भाई ये राज और सुनील दोनों के दोनों एक साथ में फटाके फोड़ रहे हैं और लड़ नहीं रहे हैं, व्हाट, और मेरे को इसके अंदर बंद कर दिया है भाई, इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो लिटरली यार। अभी थोड़ी देर पहले ये लोग जानी दुश्मन बने फिर रहे थे, और अभी साथ में भी आ गए भाई, इनकी ऐसी की तैसी, ही 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 भाई हंस रहे हैं यार, हमें उल्लू बनाने चला था यार, इन लोग को कैसे पता चला कि मैं असली लड़की नहीं हूँ भाई लड़का हूँ यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था कि इन लोग को पता चल गया है, कितनी तगड़ी एक्टिंग करी इन लोगों ने भाई, लेकिन मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा, इसने मेरी पूरी इन्वेंटरी भी खाली करवा दी। ये देखो राज हंस रहा है, ही ही ही। अब यही सड़, हाँ साले नूब इनकी ऐसी की जैसी, लेकिन यार अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, ओके बाय एंजॉय योर जर्नी। भाई ये दोनों मेरे को बंद करके जा रहे हैं भाई, पूरा का पूरा ट्रैप कर दिया, अरे यार मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा, यहाँ पे मेरे पास कुछ सामान भी नहीं है भाई, यहाँ से जाने लगे ये लोग मेरे को अकेला छोड़ के, देखो भाई लाइट्रा से चले भी गए, अब मैं से कैसे निकलूंगा, यहाँ पे कुछ भी सामान नहीं है यार जिससे मैं बाहर निकल के जा सकता हूँ।